उचाना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने दावा करते हुए कहा कि अब की बार हलके में कमल का फूल खिलने जा रहा है। उचाना से भाजपा का टिकट मिलने के बाद से लगातार देवेंद्र अत्री का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज देवेंद्र ने उचाना कला, दुर्जनपुर, खरकपुरा समेत कई गांवों का दौरा किया और इस दौरान देवेंद्र अत्री के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी और साथ ही ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र अत्री ने कहा कि उचाना में बहुकोणीय मुकाबला है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता राजघरानों को वोट की चोट मारेगी और उचाना में कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल, सबको पता, हर व्यक्ति जानता 50 साल की राजनीति है, सबको पता, हर व्यक्ति जानता है बात, किसने यहाँ राजनीति की है, मुख्यमंत्रियों के साथ टकराव रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे हैं, इसके अलावा क्या राजघरानों के बीच में टक्कर दे पाएंगे? राजघराने किसने बनाए हैं? राजघराने जनता ही तय करती है, लोग ही बनाते हैं राजघराने। बीजेपी की टक्कर किससे देख रहे हैं? बहुकोणीय मुकाबला है, 100% हम कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। बस मुझे जनता से यही अपील करनी है कि मुझे अपना आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी का यहां से मुझे आशीर्वाद देकर भेजें और तीसरी बार हम लोग नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कोई विवादित बयान दिया कि लेडीज पे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, महिलाएं हमारे लिए सम्मानीय है, हमेशा और हमेशा रहेंगी हमारी माताएं बहनें, हम सम्मान करते हैं। अगर कोई टिप्पणी की गई है तो वो गलत है और हम लोग इसकी आलोचना करते हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री के सामने उचाना में जजपा से दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह मैदान में है। देवेंद्र अत्री का कहना है कि उचाना की जनता ने इन राजघरानों को कई बार मौका दिया है लेकिन इसके बावजूद हल्के की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, इसीलिए अब की बार उचाना की जनता ने मन बना लिया है कि कमल का फूल खिलाना है। उचाना से हरदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।